सुरेंद्र चौहान जी का स्वागत करते हुए विद्यालय परिवार के सभी अध्यापक साथी उनके साथ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य महोदय मंच उनका स्वागत करते हुए करने की इजाजत दी जाए। मान्यवर की इजाजत के बाद आज हमारे बीच में विद्यालय परिवार के मुखिया और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र चौहान जी का जोरदार तालियों से आभार व्यक्त कीजिए। प्यारे मित्रों, जोरदार तालियां। हम माननीय का स्वागत करते हैं, साथ में इनके साथ आई इनकी जीवन संगनी आदरणीय श्री मती कमलेश चौहान जी का विद्यालय परिवार से की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ में आदरणीय डॉक्टर अंशुल चौहान जी हैं विद्यालय परिवार की ओर से, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु चौहान जी जो इनके सपुत्र हैं, इनका भी विद्यालय परिवार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। इनके भाई आदरणीय श्री वीरेंद्र चौहान जी विद्यालय परिवार, इनका भी स्वागत करता है। श्रीमती ब्रह्मी देवी जो इनकी सिस्टर इन लॉ है, इनकी भाभी जी है विद्यालय परिवार, इनका भी स्वागत करता है। आदरणीय श्री भगवान सिंह चौहान जी जो इनके ब्रदर हैं विद्यालय परिवार की ओर से, इनका भी स्वागत। आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी जो सन इन लॉ है, इनका भी विद्यालय परिवार स्वागत करता है। श्रीमती कमला कश्यप जी जो इनकी इनके साथ आई हैं, श्रीमती मीरा चौहान जी, श्री कुमार सिंह जी, श्रीमती नितेश कुमारी जी, श्रीमती श्यामा पुंडीर जी जो सिस्टर इन लॉ है और मिस दिशा पुंडीर, और साथ में सम्मानित मंच पर इनके साथ आए सभी अतिथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और यहां विद्यालय परिवार की ओर से सभी अध्यापकों की ओर से, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ओर से विद्यालय परिवार एक बार पुनः आज के मुख्य अतिथि और इनके साथ में आए मेहमानों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। राष्ट्रीय गीत के बाद मां सरस्वती के वंदन से की जाती है और मैं आग्रह करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र चौहान जी से, इनके परिवार के कुछ सदस्यों से, मैडम कमलेश चौहान जी से कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया मां सरस्वती का वंदन के लिए मंच पर आए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और हमारे स्थानीय स्कूल के बच्चे सरस्वती वंदना के लिए बिल्कुल तैयार रहे कि इशारा ए मां तेरी रहमत का, इशारा ए मां तेरी रहमत का, अगर इकरार मिल जाए हम सबका जीवन बिना खुशियों से खिल जाए। सुबह लेते हैं, शाम लेते हैं, जब भी कभी समय लगता है विद्या की देवी मां सरस्वती हमको सरस्वती वंदना के लिए लड़कियां बोल
अतिथियों के स्वागत में प्रस्तुत किया गया। अन्य हमारे विद्यालय परिवार के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय श्री राजेश गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और आज के मुख्य अतिथि और उनके साथ आए मेहमानों का स्वागत करें। जोरदार तालियों से आदरणीय गौतम जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बच्चों, जोरदार तालियां। सीरत में तुम्हारी मोह लिया है दिल हमारा, सीरत और सूरत ने तुम्हारी मन मोह लिया है हमारा। आज इस प्रांगण में हम करते हैं स्वागत तुम्हारा, आज इस प्रांगण में हम करते हैं स्वागत तुम्हारा। पछाद के पलक पर, क्षमा चाहूंगा एक मिनट, पछाद के पलक पर चमका ये निराला सितारा, पछाद के पलक पर चमका ये निराला सितारा। और आज दिल खोल कर हम करते हैं पुनः स्वागत तुम्हारा, हम करते हैं पुनः स्वागत तुम्हारा। आज इस सम्मानित मंच पर विराजमान आदरणीय कर्मठ राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजे गए मेरे बड़े भाई श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी, इनके वामांगनी श्रीमती कमलेश चौहान जी, इनके सुपुत्र अंशु चौहान जी, इनके दूसरे सुपुत्र डॉक्टर हिमांशु चौहान जी, इनके अग्रज श्री वीरेंद्र चौहान जी, इनके अग्रज भाभी श्रीमती ब्रह्मी देवी जी, इनके अनुज श्री भगवान सिंह चौहान जी, श्रीमती कमला कश्यप जी जो इनके भतीजी हैं, हीरा चौहान जी ये इनकी भतीजी हैं, गुमान सिंह जी जो इनके जमाई हैं, नितेश कुमारी जी भतीजी, श्यामा कुंडू जी चेयरमैन हैं हमारी एमसी नहान की, दिशा कुंडल जी और साथ में चंदन चौहान जी ये भी उनके भतीजे हैं। इस मंच पर मैं सभी का विधिवत रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 33 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, हम तो इतना लंबा सेवा काल अपना मानते ही नहीं है क्योंकि हम बड़े देर में इस सेवा में आए और तीन चार साल बाद अभी रिटायर हो जाएंगे। इनकी जो उपलब्धि है 33 साल की, ऐसा कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसमें 33 साल
संपूर्ण सर्विस मानी जाती है। और जिस व्यक्ति ने मुकाम छू लिया हो वो बधाई का पात्र है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी कि 33 वर्ष की निष्कलंक सेवा आज के युग में, आज के जमाने में, जहां पर कदम कदम पर बहुत सारे चुनौतियां हैं, जहां पर हर एक आदमी दूसरे की टांग खींचने पर आमदा है, उस समय में इतना बड़ा सम्मान इनको मिलना राज्य स्तरीय पर, एक जिसको बोलते हैं एक मतलब शिक्षक अवार्ड जिसे कहते हैं, उससे सम्मानित किए गए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं सर, कैसी निष्कलंक सेवा आपने की। और विद्यार्थियों, मैंने जब, क्योंकि मैं तो अभी 2 महीने पहले ही आया हूं, लेकिन जब मैं इस विद्यालय को देखता हूं तो मेरे सामने सिर्फ ये नीचे वाला जो ब्लॉक भी था, इसमें दो ही कमरे थे, नीचे बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद में चला गया, लेकिन जब मैं पुराने वहां आप वापस आया तो मैं तो इसको समझता था ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सराहा होगा, लेकिन ये तब तक सर के प्रयासों से उत्कृष्ट विद्यालय बन चुका था। ये अपने आप प्लीज तालियां इसके लिए हो जाए, क्योंकि उत्कृष्ट जो शब्द है उससे ऊपर में कोई शब्द मानता नहीं है। अगर ये एक्सेलेंट से कोई शब्द नहीं होता है, उसमें मोस्ट लगाने की भी कोई संभावना नहीं होती, वो अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। तो जब इन्होंने इस विद्यालय को उत्कृष्ट बना दिया तो मैं भी बड़ा गदगद हुआ कि यार मुझे भी, चलो कुछ भी हो, जो भी बचा समय है मेरा सेवाओं का वो उस विद्यालय में संपन्न होगा जो उत्कृष्ट विद्यालय है। और उस साहब के जो हमारे भाई साहब हैं, मेरे सर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनके ही प्रयत्नों से संभव हुआ है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ कार्यक्रम भी रखे हुए हैं, मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि मेरी ओर से और मेरा जो, क्योंकि स्टाफ है हमारा सबका, इसके ओर से अगर कोई आपके सम्मान में अशोभनीय कुछ बातें कह गई हैं तो कृपया आज उसको यहीं पर छोड़ के आप जाएं, अपने साथ उस कड़वाहट को लेकर ना जाएं। गहे मैंने ऊंचा तो इनको बहुत दिन देखा, मैं इनके साथ कुर्सी लगा के बैठता हूं तो मुझे कई बार कान आगे करना पड़ता है कि इतना मृदु भाषी स्वभाव का व्यक्ति क्यों। संस्कृत में मुझे बड़ी मेरी रुचि, लेक्चर में इंग्लिश का हूं लेकिन मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है। उसमें लिखा है कि उरारिभूषन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला ना स्नानम ना विलोपनम ना अलंकृतम उदजा वाणेका सदनम करोति पुरुषम यसंकृत धारयते क्षियन्तु खरिभूषणा शतम बाघभूषणम भूषणम। भाई साहब कहे त्यारे हो, क्योंकि इनकी जो वाणी है ना जी वो आभूषण है। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, हम विद्वान लोग, हम विद्वान पुरुष हैं। यहाँ पर विद्वानों की सभा है, अध्यापक भी बैठे हैं, वह क्या बोलते हैं, हस्तस्य भूषणम दानम सत्य कंठस्य भूषणम स्वतस्य भूषणम शास्त्र भूषणे किम प्रयोजनम। हमें कोई आडंबर नहीं दिखाना है, बिल्कुल सिंपलिसिटी, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरे लिए जो आपने कार्यक्रम करना है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि आप भी सिंपल है, मैं भी सिंपल हूँ, बच्चे भी सिंपल है और मेरे अध्यापक वास्तव सभी सिंपल है भाई। इसलिए हम तो विश्वास करते हैं, है ना, सिंपल एंड हाई थिंकिंग। और पुनः सर मैं एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, प्रार्थना करता हूँ श्लोक में कि हे भगवान, जिस प्रकार 8 चिरंजीवी हुए हैं, अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमंत च विभीषणा कृपाचार्य परशुराम सप्तदा चिरंजीवना, उस प्रकार आप ही चिरंजीवी में शामिल हो जाएं, ऐसा मेरा आज